हेलो दोस्तों, तो यार वापस आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। और बेसिकली आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इन्फिनिक्स GT20 Pro जो कि एक गेमिंग स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। और सभी लोगों ने बताया था कि उसके अंदर आप लोग 120 FPS तक BGMI या फिर PUBG को खेल सकते हो। बट यार इंडिया में लॉन्च होते ही इस फोन में आप सभी बस 90 FPS तक गेमिंग कर पाओगे। अब यार इस फोन में 90 FPS करने के बहुत सारे रीजन होने वाले, क्योंकि काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों ने काफी बड़ा स्कैम किया है। हाँ यार सही बोला, इन्फिनिक्स ने काफी बड़ा यहाँ स्कैम किया है। बट यार ऐसा क्या रीजन होगा कि इन्फिनिक्स के इस फोन में 120 FPS की जगह 90 FPS तक का ही ऑप्शन दिया गया है। तो यार आज का वीडियो बेसिकली इसी के लिए होने वाला है, तो बस वीडियो को बिना स्किप किए बस फुल वॉच करो, आपको सब पता चलेगा। तो देखो यार, ये जो इन्फिनिक्स GT20 Pro है, ये जितने भी अलग अलग कंट्री में है, ये सभी में आप सभी को 120 FPS तक 1 आवर तक गेम प्ले कर सकते हो। बस यार ये जो इंडिया में आप सभी को बस एक डेडिकेटेड चिप दिया गया, वो बस 90 FPS तक का ही आपको गेमिंग कराएगा। और यार ऐसा करने के पीछे इनके काफी सारे रीजन हो सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला रीजन होने वाला है इसका प्राइस। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना है कि लाइक काफी सारे लोग बोल रहे थे कि लाइक ये जो फोन होने वाला है ये आपसे को अंडर 20,000 मिलने वाला है। बट यार जो 120 FPS है, आप लोग खुद सोचो कि किसी भी फोन में आपको 90 FPS तक गेमिंग नहीं देता है, वो भी अंडर 20,000 में, तो ये 120 FPS का गेमिंग कौन देगा। इसलिए ये जो इन्फिनिक्स GT20 Pro है, इसका प्राइस आप सभी को कम देखने को मिलने वाला है। दैट्स व्हाई आप सभी को ये फोन यहाँ पर 90 FPS इस फोन में दिया गया है। और वैसे भी आपको पता होगा कि जो पोको X6 Pro है उसमें आप सभी को 90 FPS का गेमिंग आपको करा देगा। तो लाइक आप लोग सोच सकते हैं जो उसका प्राइस है वो आप सभी को यहाँ पर 25,000 देखने को मिलता है, और इस फोन का प्राइस आप सभी को उससे कम 20,000 के आसपास का देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग खुद सोचो कि लाइक 25,000 के फोन में आप सभी को 120 FPS देखने को नहीं मिलता, तो यार यहाँ पास आपको 20,000 के फोन में कैसे देखने को मिलेगा। और अगर आपको इन्फिनिक्स वाले 20,000 में 120 FPS का गेमिंग करा देंगे, तो आप लोग खुद सोचो कि पोको X6 Pro जैसे कोई भी बड़े बड़े गेम प्ले वाले फोन को तो लेना ही कोई पसंद नहीं करेगा। इसलिए कंपनी पहले से ये सब आइडिया लगा लेती है कि आप सभी को 120 FPS कब देना चाहिए। और वैसे भी आप सबको BGMI में अभी ऑप्शन नहीं आया कि आप लोग 120 FPS खेल पाओ, बट हाँ उसके अंदर आप लोग 90 FPS तक बहुत स्मूथली खेल पाओगे। एंड मेरे लीक एंड रूमर्स के अकॉर्डिंग मुझे एक और न्यूज मिला है कि आप सभी लोग को इन्फिनिक्स GT20 Pro है जो कि बाकी सब कंट्री में आप सबको 120 FPS दे रहा है, तो यार मैं आपको बता दूं उन सब कंट्री में भी आप सभी को 120 FPS नहीं दे रहा है। और जो इंडिया में बताया जा रहा है जो 90 FPS का चिपसेट लगाया गया है, बट यार ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सभी को जो ये चिपसेट वही लगाया गया, बस टेस्टिंग के मुताबिक हमें ये पता चला है कि आप सभी लोग उस फोन के अंदर बस 90 FPS तक ही गेमिंग कर पाओगे। अब आपको तो पता होगा कि ये जो चिपसेट लगा हुआ है जो कि लाइक आप सभी को डायमेंसिटी 8200 अल्टीमेट का चिपसेट लगा हुआ है, जो कि आपको 9 लाख के अप्रोक्सीमेट का यहाँ पर आपको एंड्रॉइड को निकाल कर दे देता है। और अगर मैं पोको X6 Pro की बात करूँ तो आई थिंक उसके अंदर आप लोग को 15 लाख तक का आपको एंड्रॉइड को निकाल कर दे देता है। तो इस फोन में आप लोग खुश हो सके, 9 लाख वाले एंड्रॉइड स्कोर में आप लोग को कैसे यहाँ पर 90 FPS या 120 FPS का गेमिंग कराएगा। तो यार इसके लिए जो यहाँ पर दूसरा डेडिकेटेड चिपसेट लगा हुआ है वही आप सभी को 90 FPS या 120 FPS का गेमिंग कराएगा। और अगर मैं आपको सीधे वर्ड में बोलूं तो इसका कम करने का रीजन एक ही था कि आप सभी को इसका प्राइस यहाँ पर कम मिले, क्योंकि लाइक काफी सारे लोग इस फोन को लाइक काफी ज्यादा हाई में देखना नहीं चाहते, क्योंकि खुद बोलते यार ये फोन 25,000 में नहीं आना चाहिए, वरना मैं पोको X6 Pro को ले लूंगा। तो यार इसी कारण लाइक हो सकता है कि आप सभी को ये जो फोन है ये आप सभी को अंडर 20,000 21 के आसपास देखने को मिल जाए। तो यार ऐसा ही होने वाला है, ये आप सभी को उसी के आसपास का प्राइस देखने को मिलने वाला है। तो यार सिंपल सा एक ही रीजन है, इसका प्राइस कम करने के लिए आप सभी को इसका चिपसेट कम कर दिया गया। तो यार अगर आपको ये फोन लाइक कितने में आपको लेना चाहते हैं वो आप लोग कमेंट में बता देना। वैसे तो लाइक पता है भाई ये फोन आप सभी को अंडर 20,000 21,000 के आसपास का देखने को मिल जाएगा। तो यार आज कौन बस इतना ही, सो आई होप गाइस आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज गाइस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हां जाते जाते बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। We'll be right back.